الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. तो हम म्यांमार से फिर इंडिया पे आकर यहाँ नई दिल्ली में शाहीनबाग शरम विहार में हम लोग कैंप बना कर रह रहे जी। जिस टाइम बर्मा में हम रमज़ान किया था वही है, तो वहाँ तो बहुत हार इफ्तारी बनता है। वहाँ पे रमज़ान तो जैसे हमारी बर्मा में चना और जो पकौड़ा नहीं है, हमारे देश में पकौड़ा वगैरह नहीं है, हमारे देश में प्याजो बोलते हैं, इसमें हिंदी में क्या बोलते हैं मैं बताने। वैसे कि हम यहाँ पे स्पेशल बनाते हैं जो इंडिया में नहीं बनता, चावल की पीड़ा कहते हैं उसे, पेटा कहते हैं, दो पेटा कहते हैं उसे। म्यांमार में 2012 में लड़ाई हो गया था, इस टाइम से हम जान बचाने के लिए तो हम यहाँ इंडिया पे आ गया। हमारे देश में बर्मा में जो अरकान स्टेट है वहाँ का सब रोहिंग्या है, उनकी हक नहीं देता है। बर्मा से कहा हम इंडिया आए थे, हमारा साथ बहुत अच्छे से बर्ताव किया, बिठाया, खाना खिलाया, इज्जत दिया, हमें सब कुछ करा। इतनी इज्जत हमें कहीं पर तो मिला इन इंडिया में जितना मिला। यहाँ हम लोग बर्मा में जितना लोग है, अपना मकान है, अपना जमीन है, अपना माल दौलत है, जो बकरी भी है, गाय भी है, भैंस भी है, दोबारा वो जगह जमीन माल दौलत नहीं मिल सकता है। वहाँ से और यहाँ से आसमान जैसे और ज़मीन इतने ही फ़र्क है। हमारे पास ना आइडेंटिटी है, ना आधार कार्ड है, ना पैन कार्ड है, ना उसके नेशनलिटी है, कुछ भी नहीं है, और कहीं जाने का कोई मौका भी नहीं है। देखा इंडिया आके दुनिया कितना बड़ा है, और लेडीज़ आज जेंट्स के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, लेडीज़ को घर से नहीं निकलने देता। यहाँ कुछ लेबारी काम किया और मजबूरी भी काम किया, जो मिल रहा है वो काम कर रही है। हम ये सोच भी नहीं सकते हम बर्मा वापस जाएंगे, क्योंकि वहाँ अगर हम जाएंगे तो वहाँ हमको मार डालेगा, जिंदा किसी को नहीं छोड़ेगा। हम लोगों को 3 चीज़ों से कोई भी एक कर दो, एक मैंने पूछा मेरे को डिपॉजिट करो, बर्मा में वापस करो, दूसरा नंबर अगर वो कर नहीं पाएगा तो इंडिया पे रिसेटल कर दो, तीसरा नंबर सवाल हम लोगों का अगर ये भी कर नहीं पाएगा तो हम लोगों को रिसेटलमेंट कर दो, दूसरा तीसरा देश में भेज दो। दिल तो यहाँ लग गया, पता नहीं वहाँ कैसा है या कैसा नहीं है, आप तो भूल गए सब।